सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों फ्रेश अपडेट्स को, और साइड में जो घंटी है वो भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ आपके मोबाइल में तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फ्रेश अपडेट्स। मैं हूं सोम और आप लोग को एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जो कैमटेसिया स्टूडियो के अंदर आप लोग किस प्रकार से है ना जो स्क्रॉलिंग टेक्स्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों स्क्रॉलिंग टेक्स्ट बनाने के लिए बहुत ईजी होता है जो कि आप लोग ईजिली बना सकते हैं। आप लोग तो सबके वीडियोज़ में देखे होंगे कि वो स्क्रॉलिंग टेक्स्ट यूज़ करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं महान जो टेक्निकल गुरुजी हैं उनके वीडियोस के नीचे थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस वीडियो वगैरह वगैरह आता है। मेरे वीडियोस के अंदर भी आप लोग को वैसा ही मिलता है। तो दोस्तों ये बनाते कैसे है कैमटेसिया स्टूडियो यूज़ करके, तो मैं आप लोग को स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो ट्यूटोरियल्स की तरफ आगे बढ़ जाता हूँ और सिखा देता हूँ आप लोग को किस प्रकार से ये बनाते हैं। तो दोस्तों पहले आपको करना क्या है, आपको जो क्लिप इंपोर्ट करना है वो आप इंपोर्ट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर जाकर मैं क्लिप को इंपोर्ट करने वाला हूँ। तो इंपोर्ट करने के बाद आप लोग को यहाँ पर दिखाई देगा एक वीडियो आ जाएगा वहाँ पर। तो दोस्तों मैं ये पहले जाता हूँ यहाँ पर जाकर फ्री ग्राफिक्स वीडियो के अंदर, यहाँ से एक अच्छा सा वीडियो ले लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक वीडियो को सिलेक्ट कर दिया, मैंने इस वीडियो को सिलेक्ट कर लिया। तो दोस्तों इस वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद मैं टाइमलाइन पेज को ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद आप लोग को दिखाई दे रहा है, मैं इसको प्ले करके एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों ऐसा एक कुछ इमेज मैंने डाला है यहाँ पर। तो अभी आप लोग क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पर जाना होगा, पहले आप फर्स्ट जो हेड है उसके अंदर ये कर्सर लेकर आइए। उसके बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पर जाके कॉलआउट्स का एक ऑप्शन रहेगा, यहाँ पर कॉलआउट्स के अंदर आप जाइए। यहाँ पर जाकर ये नीचे जो एरो बटन है यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक हाईलाइट का बटन मिलेगा। आप यहाँ पर चाहे तो हाईलाइट यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ब्लर इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं पहले आपको हाईलाइट इफेक्ट दिखा था, उसके बाद ब्लर इफेक्ट दिखा दूंगा, आपको कौन सा पसंद है सेम आप यूज़ कर सकते हैं उसमें। तो पहले मैं जब हाईलाइट बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पर एक येल्लो बटन आ जाएगा, येल्लो एक बॉक्स आ जाएगा। तो इसको आप ड्रैग करके नीचे लाइए। जब ये येल्लो मार्के का आ जाएगा नीचे एक लाइन, आप देख पा रहे हैं ना अभी एक लाइन आ गया नीचे। तो वहाँ पर आने के बाद इसको छोटा कर लीजिए। तो दोस्तों छोटा कर लीजिए, जो आपको कितना बड़ा रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं इतना छोटा रख रहा हूँ। उसके बाद इस तरफ से खींचिए और इस तरफ से खींचिए। तो दोस्तों दोनों तरफ से खींचने के बाद आपको ऐसा कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर आप जाकर बाहर पे ऐसे इसको पूरा ड्रैग कर दीजिए, पूरे वीडियोज़ के अंदर ये जाना पड़ेगा। तो ये देखिए आप यहाँ पर एक जो है बॉक्स क्रिएट हो गया, पूरा वीडियो के अंदर ये बॉक्स रह जाएगा। अभी आपको दूसरा चीज़ क्या करना है, यहाँ पर आपको जाकर एक अलग सा लेयर क्लिक करना है। आप अगर यहाँ पर ही टेक्स्ट क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये आपको मेंटेन करने में दिकदारी हो जाएगा, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर जो है मैं ये एक टेक्स्ट लेयर क्रिएट कर रहा हूँ। आप हमेशा याद रखिए सिलेक्टेड मत रखिएगा, बाहर पर एक बार क्लिक करके उसके बाद जो है टेक्स्ट लेयर आप यहाँ से ले लीजिए। उसके बाद टेक्स्ट लेयर को भी आप लोग सेम जो है साइज़ में रखना पड़ेगा, जहाँ तक आपने ये हाईलाइट को रखा या फिर आपका वीडियो है। तो ये टेक्स्ट लेयर के अंदर डबल क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दिस इज ए ट्यूटोरियल अबाउट मेकिंग स्क्रॉलिंग टेक्स्ट, आई होप यू गाइस लाइक माय वीडियो। फ्रेश अपडेट्स। सो फ्रेंड्स ऐसे आप लिखने के बाद आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं एक बॉक्स क्रिएट हो गया जहाँ पर ये टाइपिंग जो मैंने किया वो सब आ गया है। अभी आपको करना क्या पड़ेगा, आप यहाँ पर जाकर सिलेक्ट कर लीजिएगा फर्स्ट। आप अगर सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आप यहाँ पर कुछ करने से भी ये फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ होने वाला नहीं। तो आप यहाँ पर पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो साइज़ है वो आप 24 या 26 रख सकते हैं, मैं 26 रखता हूँ क्योंकि मेरे लिए अच्छा है। आप लोग आपके वीडियो के मुताबिक किस प्रकार के टेक्स्ट आप रखना चाहते हैं वो रख दीजिए, साइज़ जितना चाहिए आपको। मैं 26 प्रीफर करता हूँ इसलिए 26 यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद जो है इसका कलर, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा येलोइश, येलो तो कलर है नीचे, तो मैं यहाँ चाहता हूँ कि वाइट यूज़ करूँ, तो मैंने ये वाइट सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर जाकर आप किसी भी चाहे तो आप जो भी टेक्स्ट चाहते हैं यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ अच्छा सा एक टेक्स्ट यूज़ करूँगा, तो दोस्तों यहाँ पे
ये रहा, मैं ये वाला टेक्स्ट जो है इरास डेमी आईटीसी ये वाला यूज़ करने वाला हूँ। ये यूज़ करने के बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पर दिखाई देगा ये बॉक्स से, आपको करना क्या पड़ेगा, आप शिफ्ट बटन जो है वो प्रेस कीजिए, उसके बाद एक साइड में जो बटन है जैसे कि लेफ्ट साइड में मैंने क्लिक किया है, अभी लेफ्ट साइड में क्लिक करने के बाद मैं इसको ड्रैग करूँगा, ड्रैग करने के बाद ये फुल ड्रैग हो जाएगा, एक लाइन के अंदर सब टेक्स्ट आ जाएगा। तो दोस्तों अभी आपको करना क्या है, ये आप नीचे लेकर आइए, नीचे लेकर आने के बाद जब आप येलो बॉक्स के अंदर आएंगे तो आपको एक येलो सा मार्क दिखाई देगा जब आप एकदम बीच में हो जाएंगे। तो बीच में आने के बाद आपको कुछ करना नहीं है, अभी आपको इसको ड्रैग करना है राइट साइड की ओर, तो एकदम राइट साइड की ओर ड्रैग कीजिए। दोस्तों अभी आप लोगों ने तो ड्रैग कर लिया इसको पूरा राइट साइड की ओर, जब तक आप देखें कि कोई टेक्स्ट नहीं आ रहा हो, एक आपको हाईलाइट दिखाई देगा दिस का THIS जो लिखा है, तो वहाँ का जो ब्लैक कलर होता है वहाँ तक आप देखिए कि कितना दूर गया है वो, ज़्यादा दूर मत ले जाइएगा, एकदम जो बॉर्डर है वीडियो का उसके पास ही रखिएगा। अभी आपको करना क्या है, अभी आपको इस एक ऑप्शन है जिसका नाम है आपका विजुअल प्रॉपर्टीज़, अगर ये यहाँ पर नहीं आया तो आपको मोर पे जाना होगा, मोर पे जाने के बाद आपको यहाँ पर विजुअल प्रॉपर्टीज़ दिखाई देगा, वहाँ पर जाइए। वहाँ पर जाने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, आपको सिर्फ जो है टेक्स्ट लेयर ये सिलेक्टेड रखना पड़ेगा, उसके बाद आपको ऐड एनिमेशन में क्लिक करना पड़ेगा। ऐड एनिमेशन में क्लिक करने के साथ साथ आपको यहाँ पर एक डॉट दिखाई दे रहा है, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो लेयर है टेक्स्ट लेयर यहाँ सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप जो लेफ्ट एरो की है वो प्रेस कर दीजिए जब तक आपका जो फुल टेक्स्ट है वो ख़त्म होना जाए। अब देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, ये मैंने स्टार्ट किया, ये इस प्रकार से आना चाहिए, तो दोस्तों ये रहा, ये वीडियो के लास्ट पार्ट में आ चुका है, आप लोग देख पा रहे हैं ये फ्रेश अपडेट्स के पीछे की तरफ ये ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, आप अभी अब इस जो बटन है यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, इसको ड्रैग कर सकते हैं, आप इसकी सेंसिटिविटी जो है ये पूरा चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने ड्रैग किया इसको, अभी आप प्ले बटन पर क्लिक कीजिए, आपको दिखाई देगा एक टेक्स्ट जो है वो दौड़ रहा है। अगर आप चाहते हैं इसको पूरा स्लो जाना तो थोड़ा ड्रैग और कीजिए, उसके बाद आप जो है इसको क्लिक कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग नीचे जो है स्क्रॉलिंग इमेज जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा मैं रिपीट करना चाहता हूँ फुल वीडियो के अंदर, आपको करना क्या पड़ेगा, आपको ये जो है टेक्स्ट ये सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा, ये जो है आप सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद राइट क्लिक करके आप इसको कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर और एक बार पेस्ट कर दीजिए। तो दोस्तों पेस्ट करने के बाद आप इसको पूरा ऊपर की लेयर तक ले जाइए, आपको अगर चाहिए तो ये हाइलाइटर जो मैंने यूज़ किया था ये आप एक्सटेंड कर दीजिए पूरे वीडियोस के अंदर, और आप ये वीडियो फाइल को भी एक बार कॉपी करके फिर पेस्ट कर दीजिए। तो दोस्तों ये पेस्ट मैंने किया तो नीचे में इसको लाना पड़ेगा, तो मैंने इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ लेकर आया। अभी आपको मैं दूसरा दो चीज़ मैं दिखा देता हूँ, अगर आप इसका जो कलर है वो चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए, ये फिल के अंदर आप देख रहे हैं, फिल के अंदर जाकर आप यहाँ पर जो भी कलर चूज़ कर सकते हैं, मैंने जैसे ग्रे कलर चूज़ किया, थोड़ा ओपासिटी इसका अच्छा होता है, बैकग्राउंड भी आपको दिखाई देता है, तो यहाँ पर आप लोग ये डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप फिल के अंदर जाएँ तो यहाँ पर बहुत सारे कलर्स ऐसे हैं, आप लोग जो भी चाहे यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आप लोग को दिखाऊँगा दोस्तों इस ब्लर इफेक्ट का, तो यहाँ पर ब्लर इफेक्ट के अंदर आप लोग जाकर ऐसी ब्लर इमेज भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको प्ले करूँ अभी तो आप लोग देख पा रहे एक ब्लर जो नीचे लाइन है उसके ऊपर जो है तो टेक्स्ट जा रहा है। तो दोस्तों इस ब्लर का जो कलर है ये आप चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए मैं प्रीफर करता हूँ आप लोग हाइलाइटर का यूज़ करें, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं ब्लर का यूज़ करें और जो टेक्स्ट वो अच्छा से दिखाई दे तो आप लोग यहाँ पर जाकर टेक्स्ट कलर जो है वो ब्लैक कर सकते हैं, या फिर जो थोड़ा भड़कीला कलर कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग जैसे मैं येलो यूज़ करूँगा, येलो यूज़ करने के बाद मैं आप लोग को प्ले करके दिखाता हूँ दोस्तों यहाँ पर जो है येलो कलर का एक टेक्स्ट जो है वो चल रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो टेक्स्ट बनाते हैं नीचे जो स्क्रॉलिंग इमेज है वो बनाते हैं। आप लोग को एक बार मैं फुल स्क्रीन में दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से ये वीडियो दिखेगा। तो यहाँ पर मैं जैसे इसको प्ले कर रहा हूँ तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे है ये बहुत स्पीड जा रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हैं उस टेक्स्ट लाइन को, और ईजीली जो है ये स्लो कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, अगर पसंद आ गया तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिएगा मेरे वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है तो मेरे फेसबुक अकाउंट में चेकआउट कीजिएगा, फेसबुक में भी एक लाइक कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और आशा करता हूँ इस प्रकार के वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा।
और थैंक यू वंस अगेन फॉर व्यूइंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे अहेड. स्टे अलर्ट, स्टे सेफ. सी या. बाय बाय. Yeah.